भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। यहाँ प्रत्येक खंड का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। एक, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। एक, धर्मग्रंथ। दो, ऐतिहासिक ग्रंथ। तीन, विदेशियों का विवरण। चार, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्मग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। एक, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में सूक्तों एवं श्लोकों ब्रैकेट में ऋचाओं की संख्या क्रमशः 1028 एवं 10462 है। वेद के श्लोकों को ऋचाए कहा जाता है। चतुष्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 श्लोकों की रचना की गई है। वामना अवतार के तीन पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। गद्य एवं पद्य वाला वेद है यजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि विविध विषयों से संबंधित वेद है अथर्ववेद। सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण मिलता है पुराणों में। पुराणों के रचयिता माने जाते हैं लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण मौर्य वंश से, वायु पुराण गुप्त वंश से तथा मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है मनुस्मृति। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है जातक में। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है भगवती सूत्र में। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है कल्प सूत्र से। पेज 2, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य ब्रैकेट में कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया कल्हण के द्वारा। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक है राजतरंगिणी, जिसका संबंध है कश्मीर के इतिहास से। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत सुरक्षित है चचनामा लेखक अली अहमद में। अष्टाध्यायी के संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक हैं पाणिनी। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। पहला, ए यूनानी रोमन लेखक। एक, टेसियस, ये ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में उसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। दो, हैरी डोट्स, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध में वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। तीन, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नेरियाकस, आने सिक्रिटस तथा आस्टीबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय। चार, मेगस्थनीस, ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। पांच, डायमेकस, ये सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है।
छे डायोनिसियस यह मिश्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राजदरबार में आया था। 7 टॉलमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। 8 प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं पेड़ पौधों खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। 9 पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी ये एक पुस्तक है जिसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ये लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत की है। बी चीनी लेखक 1 फायान ये चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्र गुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। 2 संयुगन ये 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। 3 ह्वेनसांग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। वो यहाँ 16 वर्ष तक रहा। इसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। इसका भ्रमण वृत्तांत सी यू की नाम से प्रसिद्ध है जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। 4 इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। 3 सी अरबी लेखक 1 अल बरूनी यह मोहम्मद महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसने भारतवासियों से जो सुना उसी के आधार पर अपना विवरण तहकीक हिंद या किताबुल हिंद इस ब्रैकेट में भारत की खोज नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया है। इसमें राजपूत कालीन समाज धर्म रीति रिवाज राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। 2 अन्य लेखक 1 तारानाथ ये एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। 2 मार्को पोलो ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगास कोई ब्रैकेट में एशिया माइनर के वैदिक देवता मिंत्र वरुण इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस की वेसनगर या ब्रैकेट में विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। कश्मीरी नव पाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास ब्रैकेट में गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिक मेडू ब्रैकेट में पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। 1 यहाँ पर बॉक्स है उसमें है अभिलेख और शासक। अभिलेख के अंतर्गत हाथी गुम्फा अभिलेख ब्रैकेट में तिथि रहित अभिलेख कलिंग राजा राज खागेल जूनागढ़ ब्रैकेट में गिरनार अभिनाशिक अभिलेख जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्र दमन नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त एहोल अभिलेख पुलकेशिन 2 मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। 2 प्रागैतिहासिक काल जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। ज्ञानी मानव
ब्रैकेट में होमो सेपियस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40,000 वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग की मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार था कुल्हाड़ी। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। पेज 4। तीसरा, सिंधु सभ्यता। रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता की प्राक ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिकल अथवा कांस्य ब्रोंज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुत कांगेडोर ब्रैकेट में बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल मांदा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नागरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। यह मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणवारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरम पर सबसे अधिक एवं श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हुदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। ये लिपि दाई से बाई लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों में होता था तो पहली पंक्ति दाई से बाई और दूसरी बाई से दाई ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा, कालीबंगा एवं लोथल के सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। यहां पर एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है जिसमें लिखा है सिंधु काल में विदेशी व्यापार, आयातित वस्तुएं प्रदेश तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान, चांदी अफगानिस्तान ईरान, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान, टिन अफगानिस्तान, गोमेद सौराष्ट्र, लाजवर्त मेसोपोटामिया, सीसा ईरान। पेज 5। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे।
वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वस्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु धारी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका निचला शहर ब्रैकेट में सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले घिरे हुआ था। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में चलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। नीचे एक बॉक्स है जिसका शीर्षक है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। प्रमुख स्थल हेडिंग्स है नदी, उत्खननकर्ता, वर्ष, स्थिति। पहला हड़प्पा, नदी रावी, उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स, वर्ष 1921, पाकिस्तान, मोंटागोमरी जिला। दूसरा मोहनजोदाड़ो, रखालदास बनर्जी, नदी सिंधु, वर्ष 1922, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। तीन चानहू दड़ो, नदी सिंधु, उत्खननकर्ता गोपाल मजुमदार, 1931, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। चार कालीबंगन, नदी घग्गर, उत्खननकर्ता बी बी लाल एवं बी के थापर, सन 1953, राजस्थान का गंगानगर जिला। पांचवा कोट दीजी, नदी सिंधु, फजल अहमद उत्खननकर्ता, वर्ष 1953, सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान। छठा रंगपुर, नदी मादर, उत्खननकर्ता रंगनाथ राव, 1953-54 और गुजरात का काठियावाड़ जिला। सातवा रोपड़, नदी सतलज, उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा, समय 1953-56, पंजाब का रोपड़ जिला। आठ लोथल, नदी भोगवा, उत्खननकर्ता रंगनाथ राव, 1957-58, गुजरात का अहमदाबाद जिला। नौ आलमगीरपुर, नदी हिंडन, उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा, वर्ष 1958, स्थिति उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। दस बनमाली, नदी रंगोई, उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह विष्ट, वर्ष 1974, स्थिति हरियाणा का हिसार जिला। पेज सिक्स। चार वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों, एक ऋग्वेद काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और दो उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन पांच भागों में बटा था, कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी एवं विश का प्रधान विशपति कहलाते थे। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूत, रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पुरप, दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था।
सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दसरागी युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के सातवें मंडल में है। ये युद्ध परुषणी या रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था और जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं प्रथा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई या देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। वे वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। 1 वास, अधिवास, 3 उष्णीश। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़ दौड़ एवं द्युत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। यहाँ भी एक बॉक्स है और उसके शीर्षक है दिशा, उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। पूर्व, उत्तर वैदिक शब्द प्राची और राजा का नाम सम्राट। पश्चिम, उत्तर वैदिक शब्द प्रतीची और राजा का नाम स्वराष्ट्र। दिशा उत्तर, उतीची उत्तर वैदिक, विराट राजा का नाम। दिशा मध्य, राजा का नाम था। दक्षिण, भोज राजा का नाम था। उपनिषदों की कुल संख्या 108, महापुराणों की संख्या है 18, वेदांग की संख्या है 6। पेज 7। गाय को अधन्याय न मारे जाने वाले जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाला या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनियम की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वैकनॉट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्वमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सविता नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 है, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। अब बॉक्स है, पहला प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। दर्शन चार वाक, प्रवर्तक चार वाक। दर्शन योग,
प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, दर्शन पूर्व मीमांसा प्रवर्तक जैमिनी, उत्तर मीमांसा प्रवर्तक बादरायण, वैशेषिक कणाद या उलूक उनके प्रवर्तक हैं। ऋग्वेदिक कालीन नदियां, प्राचीन नाम आधुनिक नाम, प्राचीन नाम क्रुभ, आधुनिक कुर्रम, कुभा, काबुल, वितस्ता, प्राचीन नाम है नया झेलम है, आस्किनी पुराना है, चिनाव नया नाम है, परुषिणी पुराना है, नया रावी, शतुद्री का सतलज हो गया, विपाशा का व्यास हो गया, सदा नीरा गंडक कहलाई जाने लग गई, दृस धती घग्गर कहलाते हैं कहलाती है, गोमती नदी अब गोमल हो गई है और सुवस्तु नदी स्वात। ऋग्वेदिक कालीन देवता, देवता इंद्र, युद्ध का नेता देवता, और दो शीर्षक है देवता और संबंध, इंद्र देवता है और संबंध है युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ, वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। देव आकाश का देवता ब्रैकेट में सबसे प्राचीन, सोम वनस्पति देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान देवता, अश्विनी विपत्तियों को हरने वाला देवता, पूषण पशुओं का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता, मरुत आंधी तूफान का देवता। पेज 8, महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म से पूर्व 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतवर्ष में 16 जनपद में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय से मिलती है। महाजनपद राजधानी क्षेत्र आधुनिक और ब्रैकेट में आधुनिक स्थान, ये एक नीचे बॉक्स बना है, उसके ये तीन शीर्षक हैं। अब उसका विवरण नीचे। एक अंग राजधानी चंपा, क्षेत्र भागलपुर, आज मुंगेर या बिहार। दो मगध राजधानी गिरिब्रज या राजगृह और आज पटना गया ब्रैकेट में बिहार। तीसरा काशी राजधानी वाराणसी, वाराणसी के आसपास ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश। चार वत्स महाजनपद था, राजधानी कौशाम्बी थी और ये इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में। पांचवा वज्जी राजधानी वैशाली, विदेह, मिथिला, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र आधुनिक काल में। छठा कौशल राजधानी श्रावस्ती, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। महाजनपद अवंती राजधानी उज्जैन, महिष्मती, आज के संदर्भ में मालवा या मध्य प्रदेश। आठवां मल्ल महाजनपद राजधानी कुशावती, देवरिया, उत्तर प्रदेश, आज का क्षेत्र। पांचाल नवा अहिछत्र कांपिल्य, ये राजधानी थी और आज का क्षेत्र है बरेलू, बदायूं, फरुखाबाद, ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश। दसवां चैती राजधानी शक्तिमती, बुंदेलखंड, आज का उत्तर प्रदेश। 11 कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। 12 मत्स्य महाजनपद था, विराटनगर राजधानी थी और आज के संदर्भ में जयपुर, राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। 13 कंबोज महाजनपद था, हाटक राजधानी थी, राजौरी एवं हाजरा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, आज के क्षेत्र हैं। 14 शूरसेन महाजनपद था, मथुरा राजधानी थी, मथुरा, उत्तर प्रदेश, आज का क्षेत्र है। 15 अश्मक राजधानी पोटली या पोतन और आज का क्षेत्र गोदावरी नदी क्षेत्र है। 16 महाजनपद गांधार राजधानी तक्षशिला और आज का क्षेत्र रावलपिंडी एवं पेशावर, पाकिस्तान। 6 जैन धर्म, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ को 30 वर्ष की अवस्था में ही वैराग्य उत्पन्न हुआ, जिस कारण गृह त्याग कर वो सन्यासी हो गए। पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षा थी, एक हिंसा न करना, दो सदा सत्य बोलना, तीन चोरी न करना तथा चौथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईस्वी में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ
ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय वे महावीर जिन ब्रैकेट में विजेता अरहत ब्रैकेट में पूज्य और निर्गंत ग्रंथ ब्रैकेट में बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत या ब्रैकेट में अर्थ मागधी भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद ब्रैकेट में प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। पेज 9। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में 322 ईस्वी पूर्व में भद्रबाहु और संभूति विजय के नेतृत्व में हुई। इसी सभा के बाद जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं एवं दिगंबर जो एकदम नग्नावस्था में रहते हैं। भद्रबाहु के विशिष्य दिगंबर एवं स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात नामक स्थान पर देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जैन धर्म के तीन के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है, अहिंसा सत्य वचन अस्ते अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं करवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्त भंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अरेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे उदयीन वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण वेलगुला में 10वीं शताब्दी के मध्य के भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। जैन तीर्थंकर में संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान नयचंद्र था। मथुरा कला का संबंध है जैन धर्म से। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु या निर्वाण 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी या राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। 7 बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। उनका लालन पालन उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं एक सन्यासी। नीचे एक छोटा सा बॉक्स सा है, उसका शीर्षक है बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। घटना प्रतीक, घटना जन्म कमल एवं सांड, ग्रह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल, बौद्धि वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। पेज 10। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ या बुद्ध ने वैशाली के आलार कालाम के सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए।
आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक करामपुत से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ की कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वो स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ या ऋषिपत्नम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा में पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबसार, प्रसेनजीत तथा उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मल्लो ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक जन अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपदेश से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक, ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने के उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धर्म एवं संघ। बौद्ध सभाएं ये शीर्षक है। नीचे एक छोटा सा बॉक्स है, उसके अंतर्गत शीर्षक है सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष, शासनकार। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व समय है। स्थान राजगृह, अध्यक्ष महाकाश्यप, शासनकाल अजात शत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में हुई। वैशाली स्थान है, सभा कामी अध्यक्ष थे और कालाशोक का शासनकाल था। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में मोग्गालिपुत्तिस की अध्यक्षता में हुई और अशोक का शासनकाल था। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में वसुमित्र अश्वघोष की अध्यक्षता में और कनिष्क के शासनकाल में हुई। पेज 11। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान व महायान में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपद्या। इस सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों को के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भवतृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त को सरल बनाने के लिए निम्न 10 मुश्किलों पर बल दिया। अहिंसा, सत्य, आस्ते, चोरी, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना, गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य है।
बुद्ध ने मध्यम मार्ग मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु उसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। आठवां, शैव धर्म। शैव धर्म भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये हैं पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है, इसलिए संस्थापक लकुलीश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। पेज 12। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येन नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम से उल्लेखनीय है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूतों ने करवाया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। 9, वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगरेज के शिष्य के रूप में हुआ है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार है: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कापालिक। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। इस्लाम धर्म इसके विषय में और जानकारी, ये एक बॉक्स बना है, उसमें 2 शीर्षक हैं: संप्रदाय संस्थापक, संप्रदाय के अंतर्गत आजीवक संस्थापक मखली पुत्र गोशाल, संप्रदाय घोर अक्रियावादी संस्थापक पूर्ण कश्यप, संप्रदाय यद्रच्छावाद संपादक आचार्य अजित, संप्रदाय भौतिकवादी और संस्थापक हैं पकुद कच्चायन या ब्रैकेट में भौतिक दर्शन, संप्रदाय अनिश्चयवादी और संस्थापक संजय बैठली पुत्र। अब नीचे 2 बॉक्सेस और हैं। एक के शीर्षक है प्रमुख संप्रदाय मत एवं आचार्य।
और इसके अंतर्गत शीर्षक है प्रमुख संप्रदाय मत आचार्य वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज आचार्य ब्रह्म संप्रदाय द्वैत मत आनंद तीर्थ आचार्य रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैत और इसके आचार्य वल्लभ आचार्य सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत और इसके आचार्य निम्बार्क। दूसरे बॉक्स के ऊपर का शीर्षक है प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक। प्रमुख संप्रदाय बरकरी, संस्थापक नामदेव, पुस्तक का कोई नाम नहीं है श्री वैष्णव, रामानुज संस्थापक, पुस्तक ब्रह्मसूत्र, परमार्थ रामदास संस्थापक, पुस्तक दासबोध, राम भक्त रामानंद संस्थापक और पुस्तक आध्यात्म रामायण। दसवां इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संपादक संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। पेज 13। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का में, इसको फिर से सुनिए, 24 सितंबर 622 को पैगंबर के मक्का में मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खादीजा नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली हुसैन है। देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद के दामाद थे। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला या ईरान नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। ईसाई धर्म 11। ईसाई धर्म के संस्थापक हैं ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैतलहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलम की निकट नाजरेथ में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य थे एंड्रूस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रितत्व में विश्वास रखते हैं। वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र या ईसा, ईश्वर पवित्र आत्मा। 12 मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगृह थी। जरासंध के पिता का नाम बृहद्रथ था। मगध की गद्दी पर बिंबसार 545 ईस्वी पूर्व में बैठा था। बिंबसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। बिंबसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पेज 14। बिंबसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चिल्लाना से तथा मद्र देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की।
बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वो 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार या वरसकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायन ने 161 ईस्वी पूर्व में कर दी और वो मगध की गद्दी पर बैठा। उदायन ने पाटलिप ग्राम की स्थापना की। उदायन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदायन का पुत्र नाग दशक था। नाग दशक को उसके अमात्य शिशु नाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशु नाग वंश की स्थापना की। शिशु नाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशु नाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशु नाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। 13 सिकंदर। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक था। उसकी हत्या 329 में ईस्वी पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पूरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाई डेस्पीज के युद्ध या झेलम वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस। पेज 15-14 मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त द्वारा लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तिका इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानास ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हुई। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अभित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस 1 से मदिरा, सूखे अंजीर एवं 1 दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। अशोक
बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक का अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 291 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस ब्रैकेट में टॉलमी दो ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा था, ब्रैकेट में अशोक के दरबार में। पेज 16। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चोपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संगमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पात्रेटी फेंथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रसेप को हुई। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा अभिलेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां एवं आठवां शिलालेख, इनमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। नौवां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। दसवां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। ग्यारहवां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। बारहवां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। तेरहवां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। चौदहवां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। एक, प्रयाग का स्तंभ लेख, ये पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा, ये स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। तीसरा, दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया है। पेज 17। चार, रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लाइल ने की। पांचवा, लौरिया अरेराज, चंपारण बिहार में। छह, लौरिया नंदनगढ़, चंपारण बिहार में इस स्तंभ का मोर का चित्र बना है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मी देई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। अशोक का सातवां अभिलेख सबसे लंबा है। प्रथम पृथक शिलालेख में घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का शारे कुना कंधार अभिलेख ग्रीक एवं आरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व उनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था।
उसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आरपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषय पति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीस के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। पहला बॉक्स, इसमें 2 शीर्षक है, मौर्य प्रांत राजधानी। मौर्य प्रांत उत्तरापथ तक्षशिला, अवंती राष्ट्र और राजधानी उज्जैनी, कलिंग राजधानी तोसली, दक्षिणापथ स्वर्णागिरी राजधानी, मौर्य प्रांत प्राशी या पूर्वी प्रांत और राजधानी पाटलिपुत्र। अगले बॉक्स का शीर्षक अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ, 1 मंत्री प्रधानमंत्री, 2 पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, 3 सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान, 4 युवराज राजपुत्र, 5 दौवारिक राजकीय द्वार रक्षक, 6 अंतर्वैदिक अंतःपुर का अध्यक्ष, 7 समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता, 8 सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष, 9 प्रशासता कारागार का अध्यक्ष, 10 प्रतिष्ठी कमिश्नर, 11 पौर नगर का कोतवाल, 12 व्यावहारिक प्रमुख न्यायाधीश, 13 न्यायक नगर रक्षा का अध्यक्ष, 14 कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, 15 मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, 16 दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला, 17 दुर्गपाल दुर्ग रक्षक और 18 अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। नीचे एक और बॉक्स है, उसका शीर्षक है प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। समिति और कार्य, समिति प्रथम उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण, द्वितीय विदेशियों की देखरेख, तृतीय समिति का कार्य जन मरण का विवरण रखना था, चतुर्थ समिति का कार्य व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल था, और पंचम का कार्य निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण था, और छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। पेज 18। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था, और इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीस के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी तथा 8,000 रथ थे। प्लूटार्क जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मेगास्थनीस के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है, तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा गया जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदैव मात्रक कहा जाता था। मेगास्थनीस ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। 1 दार्शनिक, 2 किसान, 3 अहीर, 4 कारीगर, 5 सैनिक, 6 निरीक्षक एवं 7वां सभासद। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपजीवा कहलाती थी। नंदवंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा परवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। 15 ब्राह्मण साम्राज्य। पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। भरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि भूति था। इसकी हत्या 73 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। शिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की।
सातवाहन ब्रैकेट में आंध्रवंश शासक ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक शातकर्णी, गौतमी पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री शातकर्णी। पेज 19। पश्चिम का स्वामी गौतमी पुत्र शातकर्णी को कहा जाता है। शातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हॉल एवं गुणाढ्य थे। हॉल ने गाथा सप्तशतक तथा गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन शासकों ने चांदी तांबे सीसा पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। सातवाहनों की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों का समाज मात्र सत्तात्मक था। सातवाहनों के महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं कार्ले का चैत्य, अजंता एवं अलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। 16. भारत के यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम हिंदू, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटिओकस प्रथम ने अक्षुण बनाए रखा। एंटिओकस 2 के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्टीरिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस 2, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मेनेंडर, यूक्रेटाइडस, एंटी आल्किडस तथा हर्मिक्स। भारत का सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। इसने 190 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने शाकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंदी हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईस्वी पूर्व हुआ। इसकी राजधानी शाकल आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन या नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित हैं, जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। हिंदी यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। 17. शक। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। चरागाह की खोज में शक भारत आए। पेज 20। 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 57 ईस्वी पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी पूर्व था, जिसका शासन गुजरात के बड़े भाग पर था। रुद्रदामन एक ने काठियावाड़ की अर्थ शुष्क सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा निर्मित का जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख ब्रैकेट में गिरनार अभिलेख जारी किया, जिसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। 18. कुषाण। पहलव के बाद कुषाण आए, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। यूची नामक
एक कबीला 5 कुलों में बटा था। उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कटफिसेस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर। कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी मथुरा। कनिष्क ने 18 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है और भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन या कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कनिष्क का राजकवि अश्वघोष था। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का प्रख्यात विद्वान चरक था जिसने चरक संहिता की रचना की। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सूत्रालंकार अश्वघोष की प्रसिद्ध रचना है। महाविभाष सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। अश्वघोष, वसुमित्र, पाशर्व, चकर, चरक, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। गंधार शैली व मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। पेज 21। गुप्त साम्राज्य का उदय 19। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त 240 से 280 ईस्वी में ईस्वी था। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। ये 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजा ऋद्धिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319 से 20 की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणवर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेण था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि प्राप्त की। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त ने विक्रमंक की उपाधि धारण की थी, इसे कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त 2 हुआ जो 380 ईस्वी